क्लाइमेट सुपर्ब है यहाँ पे। आपको दिखाते हैं नज़ारा, इट्स रियली ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है ये। आईफोन से लॉगिंग हो रही है। Hey guys, good morning and welcome to the channel. बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं, मतलब बहुत दिनों के बाद हम राइड पे जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 2.5 महीने हो चुके हैं। जो लास्ट राइड मैंने की थी जो था गोवा, कोल्हापुर और कर्नाटका, तो सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम यहाँ से निकल रहे हैं। बड़ी राइड नहीं है, छोटी सी राइड है, लेकिन जगह जहाँ पे हम जाने वाले हैं काफ़ी तगड़ी जगह है। इट्स एन हिल स्टेशन जो मुंबई से नज़दीक है। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, मैं रेडी हूँ, मेरा टॉप बॉक्स रेडी है, ज़्यादा तामझाम नहीं है, थोड़ा सा सामान है, पानी और थोड़ा सा ये वो, और यहाँ से अभी हम निकलते हैं, सीधा आपसे रोड पे मिलते हैं। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं नेरुल, आप देख सकते हो काफ़ी सारे राइडर्स हैं, बाइक्स लगे हुए हैं। यहाँ पे 90 बाइकर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ था, बट अभी यहाँ पे देर मस्ट बी नॉट मोर देन 30। तो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट, मतलब ये स्टार्ट हुई मीरा रोड से। मीरा रोड वॉज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ पॉइंट, सेकेंड पॉइंट वॉज JBLR पवई में, एंड थर्ड पॉइंट इज़ नेरुल। तो मैं थाने में रहता हूँ, तो नेरुल हमारे लिए नज़दीक है, तो मैं यहीं पर सीधा आया हूँ। तो 6:30 को यहाँ से निकलने वाले थे, बट इट इज़ नाउ 7:30 होने को आए हैं। तो गाइस ब्रीफिंग हो चुका है और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग 30 किलोमीटर्स पे ब्रेकफास्ट पॉइंट है, ब्रेकफास्ट पॉइंट पे जाके हम पहले ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन विल स्टार्ट फ्रॉम माथेरान। तो चलो फिर मिलते हैं रास्ते में। तो गाइस अभी हम इस पॉइंट पे पहुँचे हैं, दिस इज शिवाया प्योर वेज। तो यहीं पे हमारा ब्रेकफास्ट पॉइंट है, यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर यहाँ से आगे निकलेंगे माथेरान के लिए। आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत है ये लोकेशन। ये सामने ये जो दिख रहा है ये डैम है, सो दिस मस्ट बी भिवपुरी डैम, क्योंकि माथेरान के आसपास जो डैम है भिवपुरी है। तो मैं चेक करता हूँ फिर आपको बताता हूँ कन्फर्म करके। यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं है, जब भी हम निकले थे कलवा जैसे ही क्रॉस किया तो बारिश आ गई, तो मेरे को कैमरा निकाल के रखना पड़ा, इसके लिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाया। उसके बाद भी मैंने हैंडल माउंट पे लगाया था, इसके लिए माइक उस पर कनेक्टेड नहीं था, इसके लिए वॉइस ओवर देना पड़ेगा मुझे। तो गाइस ब्रेकफास्ट हो चुका है, मैंने आपको बोला था मैं दिखाऊँगा ब्रेकफास्ट में क्या है, लेकिन भूख इतनी लगी थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और पहले खाया, बाद में ध्यान में आया कि मैंने शूट नहीं किया। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट हुआ है, यहाँ से हम जाएंगे माथेरान। ये जो आप देख रहे हो ये सामने, ये बराबर ये होटल के सामने ये रोड है, ये माथेरान जाता है सीधा सीधा। तो अभी हम यहाँ से माथेरान जाएंगे और मेरा जो माउंट है जे माउंट के आगे जो एक्सटेंशन है वो भी टूट गया, तो अभी हेलमेट पर मैं ये कैमरा नहीं लगा पाऊँगा, तो अभी हैंडल पर मैं माउंट करता हूँ तो आवाज़ नहीं रहेगा, मोस्ट प्रॉब्ली मैं वॉइस ओवर दूँगा या तो फिर सबटाइटल डालूँगा। चलो फिर मिलते हैं आगे। नाका गए थे, काफ़ी ट्रैफिक थी वहाँ पे, तो हम थोड़ा नीचे आ गए क्योंकि वैसे ही हमको नीचे अंदर जाना नहीं है। हम रुके हैं यहाँ पे ये मौसम बताने के लिए, आप देख सकते हो ये
क्लाइमेट सुपर्ब है यहाँ पे। सॉरी मैं आपको आज का जो मेरे वीडियोस है उसमें वॉइस नहीं है, क्योंकि मैंने मेरा जो कैमरा है एक्शन कैमरा है वो मैंने हेलमेट पे नहीं लगाया, क्योंकि उसका जो जे माउंट है उसका एक एक्सटेंशन है वो टूट गया, उसकी वजह से मुझे वो हैंडल पे माउंट करना पड़ा और इसी वजह से मेरा आवाज़ कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन काइंडली एडजस्ट कर लीजिए। और दिस इज़ रियली ए ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। सो गाइस आप देख सकते हो ये स्पॉट, हम ऐसे यहाँ से गुजर रहे थे लेकिन हमने सोचा यहाँ पे रुकते हैं, आपको दिखाते हैं ये नज़ारा, इट्स रियली ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है ये। और ये खड़ी है हमारी काशी। इस बार भी हमारे साथ रोहन भाई है, आईफोन से लॉगिंग हो रही है। गाइस अभी हम यहाँ पे रुके हैं नाश्ता करने के लिए, लोकेशन अच्छा था, आप देख सकते हो काफ़ी हरियाली है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी हमने गरम गरम बड़ा पाव और चाय मंगाई है, तो मस्त यहाँ पे खाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। वैसे तो अभी कुछ है नहीं, देखते हैं रास्ते में कोई और जगह मिली तो वहाँ पर भी रुकेंगे। गाइस घर आ चुका हूँ मैं, इतना परेशान किया आज बारिश ने और धूप ने, क्योंकि हम माथेरान से निकले तो धूप थी, खारघर पहुँचे तो बारिश आ गई तो रेनकोट पहना, वापस वाशी तक पहुँचे वापस धूप आ गई वापस रेनकोट उतारा, वापस ऐरोली पहुँचे तो वापस बारिश आ गई, तो बाद में मैं इतना परेशान हो गया कि घर से अभी 5-6 किलोमीटर पर हूँ तो खुला सोचा चलो ठीक है अभी भीग लेते हैं ऐसे ही जाएंगे घर पे, क्योंकि तो बार बार रेनकोट पहन के निकाल के परेशान हो गया, तो अभी घर पे आके मैं ये क्लोजिंग दे रहा हूँ। वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरा माउंट है वो टूट गया हेलमेट माउंट, इसके वजह से मुझे हैंडल पे माउंट करना पड़ा और वहाँ पे माइक अवेलेबल नहीं है, तो इस मोर ऑर लेस सिर्फ पिक्चर है, बैकग्राउंड में म्यूज़िक में डालूँगा शायद से या तो सबटाइटल्स डालूँगा,
या तो मैं वॉइस ओवर दे दूंगा, अभी मुझे पता नहीं है, जब मैं एडिटिंग के लिए बैठूंगा तब पता चलेगा, लेकिन जितना मेरे से हो सका मैंने किया है। होप सो आप इसे पसंद करेंगे। तो ये वीडियो मैं इसी के साथ ख़त्म करता हूँ। आपको मालूम है क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आप जो वीडियो देखते हैं ये मेरे वॉच टाइम में काउंट होता है। तो चलो फिर अगली बार फिर से मिलेंगे किसी और राइड पे, तब तक के लिए गुड बाय।